can't hide from me, Volkov. I'll find you wherever you go. तो ही गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन देखने वाला है कुछ बेस्ट गेम ऑफ द ईयर 2000। तो गाइस वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये नहीं कि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को करते हैं शुरू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करें सबसे पहले वीडियो गेम की, जिसका नाम है द सिम्स। तो द सिम्स जो गेम है वो एक रियल लाइफ सिमुलेटर वीडियो गेम है, जिसको डेवलप किया है मैक्सिस ने एंड पब्लिश किया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने, यानी कि ईए ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो सिम्स जो गेम है वो आपको डेली एक्टिविटी सिमुलेटर गेम देखने को मिल जाता है, जिसमें कि वन और मोर वर्चुअल पर्सन होते हैं एक घर के अंदर, एंड वो सारे काम करते हैं क्योंकि उनको अपने करियर एंड रिलेशनशिप गोल को अचीव करना होता है, जिसको कि आप कंट्रोल करते हो। तो नेक्स्ट जो गेम है उसका नाम है DOEX। तो DOEX जो गेम है वो आपको एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है आईओएन स्ट्रॉम ने एंड पब्लिश किया है ईडीओस इंटरैक्टिव ने। तो गेम के सारे जो इवेंट्स है वो प्लेस हुए हैं इन द ईयर 2052, एंड गेम का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जेसी डेंटन, जो कि एक एजेंट है UNATCO का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एंटी टेररिस्ट कोलिशन, जिसको सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज होती है नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जो कि कॉम्बैट करता है दुनिया के होस्टेलाइट फोर्सेस से। The NSF put a commercial-grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. तो नेक्स्ट गेम है हिटमैन कोडनेम 47। तो गाइस आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हिटमैन के सारे जो गेम्स है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टेल्थ वीडियो गेम्स होते हैं। तो हिटमैन कोडनेम 47 भी एक आपको स्टेल्थ वीडियो गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है आईओ इंटरैक्टिव ने एंड पब्लिश किया है ईडीओस इंटरैक्टिव ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो हिटमैन कोडनेम 47 गेम में जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसका नाम है एजेंट 47, जिसको कि मिशंस दिए जाते हैं कुछ लोकेशंस पर लाइक यूरोप, एशिया एंड साउथ अमेरिका, जहां पर एजेंट 47 जो है वो असैसिनेट करता है कुछ वेल्दी एंड करप्ट क्रिमिनल्स को। तो नेक्स्ट गेम है डायब्लो 2। तो डायब्लो 2 जो गेम है वो आपको एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है ब्लिज़र्ड नॉर्थ ने एंड पब्लिश किया है ब्लिज़र्ड एंटरटेनमेंट ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो डायब्लो 2 जो गेम है वो बेस्ड है डार्क फैंटेसी एंड हॉरर थीम के ऊपर, जिसमें कि गाइस आपको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है गेम में आगे बढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट गेम है द लेजेंड ऑफ द जेल्डा मेजोरास मास्क। तो ये जो गेम है वो आपको एक एक्शन एडवेंचर गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप एंड पब्लिश किया है निंटेंडो ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो इस गेम के अंदर आपको कुछ पजल सॉल्व करनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ में जो बॉसेस रहेंगे उनके जो रूम्स रहेंगे उनको अनलॉक करने के लिए भी आपको की रिक्वायर्ड रहेगी, जो कि आपको ढूंढना पड़ेगा गेम के अंदर। तो गाइस आपको ये एक टाइप ऑफ पजल एक्शन एडवेंचर गेम देखने को मिल जाता है।
तो नेक्स्ट गेम है प्रो स्केटर 2। तो प्रो स्केटर 2 आपको एक स्केटबोर्डिंग गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है नेवरसॉफ्ट ने एंड पब्लिश किया है एक्टिविजन ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो प्रो स्केटर 2 जो गेम है वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव गेम है, जिसमें कि आपको कुछ स्टंट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे स्केटबोर्ड थ्रू। तो नेक्स्ट गेम है द ऑपरेटिव नो वन लिव्स फॉरएवर। तो ये जो गेम है वो आपको एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है मोनोलिथ प्रोडक्शन ने एंड पब्लिश किया है फॉक्स इंटरैक्टिव ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो ये जो गेम है वो फर्स्ट पर्सन होने के साथ साथ आपको एक स्टेल्थ अप्रोच भी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि गाइस आप मिशन को कंप्लीट कर सकते हो स्नीक करके या फिर डायरेक्टली गन फायर करके। तो गाइस बहुत ही कमाल का अप्रोच और साथ ही साथ में बहुत ही कमाल का गेम आपको ये देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट गेम है WWF SmackDown 2। तो गाइज ये जो गेम है वो एक आपको रेसलिंग वीडियो गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है यूक्स ने एंड पब्लिश किया है THQ ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो गाइज सारे ही WWF गेम के अंदर आपको रेसलिंग ही परफॉर्म करनी पड़ती है, तो गाइज सेम इस गेम के अंदर भी आपको रेसलिंग ही परफॉर्म करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट गेम है ग्रैंड प्रिक्स 3। तो ग्रैंड प्रिक्स 3 आपको एक रेसिंग सिमुलेटर गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है माइक्रोपोज ने एंड पब्लिश किया है हैसब्रो इंटरैक्टिव ने। तो गाइस बात करें इसके गेम प्ले की, तो गाइस आपको ये एक फॉर्मूला 1 थीम रेसिंग गेम देखने को मिल जाता है, जिसकी गाइस आप बहुत सारे रेसेस खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम है थीफ 2 द मेटल एज। तो थीफ 2 ये जो गेम है वो आपको फर्स्ट पर्सन स्टेल्थ वीडियो गेम देखने को मिल जाता है, जिसको डेवलप किया है लुकिंग ग्लास स्टूडियो ने एंड पब्लिश किया है इडियोस इंटरैक्टिव ने। तो बात करें गेम प्ले की, तो ये जो गेम है वो एक स्टेल्थ अप्रोच का गेम है, तो गाइस इसके अंदर आपको स्नीक करके कुछ मिशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने पड़ते हैं। गुड थिंग द बटलर इज आउट फॉर द नाइट, ही लेफ्ट हिज लाइट्स ऑन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलेगा, और ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए या फिर गेमिंग न्यूज़ की सीरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। I'm gonna go get some more.